हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये OBS स्किल रिकॉर्डर वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की फर्स्ट पार्ट है, और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को पार्ट पार्ट में बनाने का मकसद ये है कि अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं जो कि एक दो मिनट के अंदर बन जाएगा, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा वीडियो, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो जो भी हो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे OBS के बारे में, और इसको इंस्टॉल करेंगे और इसका जो इनिशियल सेटअप होता है वो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो OBS को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका इनिशियल सेटअप। OBS का फुल फॉर्म है ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। ये OBS स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर, इसमें इतना सारा फीचर होने के बावजूद भी ये बिल्कुल फ्री है। ये तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें हम लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन होता है उसके साथ, या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो को लाइव स्ट्रीम करवा सकते हैं यूट्यूब में या फिर दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में, या फिर एक अच्छे क्वालिटी के साथ फुल HD प्लस के साथ आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वॉइस के साथ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स प्रोफेशनल्स के द्वारा ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, किया गया ऑलरेडी, अभी भी हो रहा है। और जो स्ट्रीम का फैसिलिटी है, बहुत सारे फैसिलिटी है इसमें, तो हम लोग सब कुछ धीरे धीरे देखेंगे। मैं तो बताता हूँ, मैंने जितना भी स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में सुना हूँ और यूज़ किया हूँ, यूज़ तो बहुत कम किया हूँ, 8-10 यूज़ किया हूँ, और बहुत सारे जितना भी सुना हूँ उनमें से ये सबसे बेहतर है। फ्री है, जितना मतलब जो अच्छा क्वालिटी का होता है उसमें तो मतलब पैसा पे कर सकता है, फिर भी उससे बेहतर है OBS स्क्रीन रिकॉर्डर, फिर भी ये फ्री है। ठीक है, तो हर एक फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे, हम लोग सीखेंगे कैसे एक अच्छे क्वालिटी के साथ, ऑडियो के साथ अपना स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर लाइव स्ट्रीम करवा सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर वीडियो आप बना चुके हैं वीडियो उसको लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं। आप ऐसे सोचते होंगे कि हम लोग बनाएंगे वीडियो ऐसे, फिर भी फिर बनाते बनाते लाइव स्ट्रीम करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप एक वीडियो पहले से ही बना के उसको लाइव में प्ले कर सकते हैं यूट्यूब में या फिर कोई दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग OBS स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर इसका जो इनिशियल सेटअप होता है वो देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इससे रिकॉर्डिंग। जो पूरे सेटिंग्स है वो दिखाने के बाद मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा, जो सब जो बेहतर बेहतर सेटिंग्स होता है, और सब कुछ एक एक करके आपको सिखाऊंगा ताकि आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा सेटिंग्स आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए एक ब्राउज़र खोल लीजिए सबसे पहले। तो मैंने वेब ब्राउज़र खोल लिया, मैं गूगल में सर्च करूँगा OBS स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड करने के लिए OBS स्क्रीन रिकॉर्डर ऐसे करके आप सर्च कीजिए, या फिर OBS स्क्रीन रिकॉर्डर ऐसे भी सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे सर्च करते हैं OBS स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड, तो जो डाउनलोड का पेज होता है, डाउनलोड का पेज का जो साइट एड्रेस होता है वो ऐसे फर्स्ट ऑप्शन में आ जाता है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं डाउनलोड OBS, और यहाँ पर आप देखिए obsproject.com, ये है ऑफिशियल वेबसाइट OBS का। आप दूसरे वेबसाइट में जाइएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, तो आप साइट देख लीजिए obsproject.com। अगर आप OBS स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड मारेंगे तो आपके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही होगा obsproject.com। अगर सेकंड ऑप्शन में है या फिर तीसरे, आप देखिए स्क्रॉल डाउन करके कि obsproject.com जो साइट है वो कहाँ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस साइट को खोल लेते हैं डाउनलोड। ऐसे भी ये जो साइट है मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस पेज में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही इजी है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। डाउनलोड OBS स्टूडियो, सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आप अगर एप्पल यूज़ करते हैं, मैकबुक यूज़ करते हैं तो मैकबुक सिलेक्ट की, या फिर अगर उबुंटू तो हम लोग मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ तो मैं विंडोज़ में इंस्टॉल करूँगा, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है विंडोज़ का ये सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पर आके डाउनलोड इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फाइल डाउनलोड होगा, और उसको स्टार्ट करेंगे तो जो डाउनलोड का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये डाउनलोड हो चुका है। आप चाहे एक्सप्लोरर में जाके जिस फोल्डर में आपका डाउनलोड होता है वो उस फोल्डर को खोल के, जैसे कि मेरा डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर है जिसमें जाके डाउनलोडेड फाइल स्टोर होता है वो है डाउनलोड, तो आपके लिए भी वैसा हो सकता है। तो आप डाउनलोड में जा सकते हैं ऐसे, यहाँ से डाउनलोड्स। ठीक है, देखिए फाइल यहाँ पे आ गया, इसके पहले का जितना भी डाउनलोडेड फाइल था मैं डिलीट कर दिया था, तो ये एक लौता फाइल है डाउनलोडेड। ओके, तो आप डाउनलोड में जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड सेट किया हुआ था, अगर आप चेंज करते हैं डाउनलोडेड का फोल्डर, मतलब क्रोम में जो है आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा लोकेशन में आपका जो फाइल है डाउनलोडेड फाइल वो स्टोर होगा, उसके लिए मैं भी मैं वीडियो बनाया आप देख सकते हैं।
और लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जितना भी वीडियो के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ जिस भी वीडियो में, ठीक है, उसका लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर रख देता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से जो डाउनलोड हो गया, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आप तो यहाँ पे शो इन फोल्डर कर सकते हैं, शो इन फोल्डर करेंगे तो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वो देना, सॉरी डाउनलोड होकर कहाँ पे स्टोर हुआ वो यहाँ पे दिखाएगा। देखिए तो सेम फोल्डर डाउनलोड्स में हम लोगों का जो जो ये है फाइल है वो डाउनलोड में आके स्टोर हो गया, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ओपन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का जो फाइल है प्रोसेसर ऑटोमेटिक। अभी एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन मांग रहा, मैं ये इसके ऊपर क्लिक कर दिया और अब इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही देरों में। यहाँ पे कुछ उठा था, हाँ देखिए आ गया इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे। तो OBS स्टूडियो 25.0.4 सेटअप, ये शायद वर्जन का नंबर है दिखा रहा है यहाँ पर, तो उसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट के ऊपर। बहुत जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो चल रहा है। तो देखिए इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लंच OBS स्टूडियो इसके ऊपर अगर सिलेक्ट करेंगे और फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाँ देखिए लॉन्च हो गया है। तो जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा, कोई यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखेगा। तो स्क्रीन यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, और जो ये यहाँ पे देखिए ये जो है डेस्कटॉप ऑडियो माइक ऑडियो मैं ऑलरेडी ऐड करके रखा था, इसका जो सेटिंग्स है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से जो सेटिंग्स है हम लोग यहाँ से सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी सेटिंग्स है स्ट्रीम का सेटिंग, आउटपुट का सेटिंग, ऑडियो वीडियो व्हाट कीज मतलब जो शॉर्टकट होता है वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं, धीरे धीरे देखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेटिंग्स होता है वो हम लोग वीडियो एंड ऑडियो का जो सेटिंग्स होता है वो देखेंगे, मतलब रेजोल्यूशन वगैरह और ऑडियो का माइक्रोफोन चूज़ करना वो सब देखेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके हम लोग हमारा स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई सोर्स नहीं लगाया है, सोर्स मतलब आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके वेबसाइट में क्या हो रहा है मतलब क्या क्या चीज़ हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका जो स्क्रीन है यहाँ से ऐड करके यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर ये वाला सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके आपका जो स्ट्रीम में जो भी कर रहे हैं आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक सोर्स ऐड करेंगे, पूरा सेटिंग जो है सेट करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद का जो ये होगा वीडियो होगा थर्ड वीडियो, उसमें हम लोग स्ट्रीम कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।